हेलो फ्रेंड्स, हम सभी लेडीज टाइम टू टाइम अपने घर में छोटे छोटे चेंजेस करना चाहती हैं और उससे अब खुद को भी अच्छा फील होता है और घर में भी एक नया लुक आ जाता है। ये हमारे बजट के अकॉर्डिंग होता है कि जिस टाइम हमारा जैसा बजट है हम उस हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। तो आज मैं भी डी मार्ट गई थी अपने ग्रॉसरी परचेज करने और वहाँ मैंने कुछ आइटम लिए हैं जो मैं आपको शो करना चाहूँगी। बहुत अफोर्डेबल थे और मैं उसके प्लानिंग से गई भी नहीं थी, बट मुझे अच्छे लगे तो मैंने वो परचेज किए, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये बकेट ली जो आपको इधर लोकल मार्केट में नहीं मिलती है। फ्रूट बकेट है और आप इसमें फ्रूट्स रख सकते हो। और मेरा किचन बहुत छोटा है तो मुझे थोड़ा सा आइटम अपना ड्राइंग रूम में भी रखना पड़ता है। और फ्रूट्स वगैरह रखने के बाद आप फ्रूट्स भी रख सकते हो और उसके बाद भी आपके ड्राइंग रूम का लुक खराब नहीं करेगा। ये तो मुझे बहुत पसंद आया इसलिए मैंने इसको परचेज किया और ये ओनली 150 में है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, हम सभी के पास ये इस तरीके से ऑयल रखने के लिए, क्योंकि ऑयल हम हर किसी बोतल में नहीं रख सकते हैं, उसके लिए हमें एयर टाइट कंटेनर चाहिए क्योंकि ऑयल निकलता है तो थोड़ा सा हमें दिक्कत भी आ जाती है, सारा ये चिपचिपा हो जाता है, उसे साफ करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये मैंने एक ऑयल रखने के लिए कंटेनर लिया और मुझे तो बहुत पसंद आया। इसमें सारा मेजरमेंट भी मेंशन है और मैंने इसमें पानी डालकर इसको टेस्ट भी कर लिया है, इसमें बिल्कुल लीकेज नहीं है और ओनली 80 रुपीज का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप लोग बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा। ये थर्ड है ये छलनी। जैसे हम आलू या कोई भी चीज बॉयल करते हैं तो हम गरम चीजें एक प्लास्टिक की छलनी में हम निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। और मुझे ये बहुत पसंद आई, छोटी सी। आप इसमें ये देख सकते हैं, ये हैंग करने के लिए भी है, आप इसको हैंग भी कर सकते हैं। साइज बहुत छोटा प्यारा सा है और हमारे लिए सफिशियंट है क्योंकि हम 3 से 4 लोगों के लिए ये बहुत बेस्ट है। और प्लास्टिक यूज करने से अच्छा है कि हम इसे यूज करें। तो मुझे तो ये बहुत पसंद आई और आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा। और फोर्थ है ये मसाला रखने के लिए, ये मैंने कंटेनर परचेज किए हैं और इसका जो बेनिफिट है वो ये है, एक तो आपको सारे मसाले शो होंगे और ये तीन मैंने इस तरीके से, तीन का सेट था, तीनों मैंने ये परचेज किए हैं इसका। बल्कि मुझे इतने पसंद आए कि मैं एक सेट और परचेज करने वाली हूँ। इसका बेनिफिट एक तो ये है, आपको ये मसाले शो हो रहे हैं, दूसरा है इसमें ये इस तरीके से पुश करने के लिए, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपको यूज करना है वो आप निकाल सकते हैं, वरना पूरा ढक्कन आप खोल के अगर मसालेदानी यूज नहीं करते हो तो आप एक स्पून इसमें डाल के आप रेगुलर में भी यूज कर सकते हैं। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ मेरा किचन बहुत छोटा है तो मुझे थोड़ा ऐसा कंटेनर चाहिए जो स्पेस कम घेरे, है ना। तो जो राउंड होते हैं, राउंड वाले कंटेनर होते हैं वो स्पेस ज्यादा लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि मेरे ये तीनों कंटेनर सिर्फ इतना स्पेस ले रहे हैं, तो मुझे ये बहुत पसंद आए। आपको कैसे लगे बताइएगा और मेरी परचेजिंग आपको कैसी लगी ये बताइएगा। मेरा फिफ्थ आइटम है लंच टिफिन, ये मैंने लास्ट ईयर लिया था डी मार्ट से और इसको मैं कंटिन्यू यूज़ कर रही हूँ और ये स्टील कहीं से भी नहीं चटका है और मुझे बहुत पसंद आया। और इसका प्राइस भी रीज़नेबल है, ओनली 50 या 60 रुपीज़ का। और इस बार मैं ये टिफ़िन लेकर आई हूँ और इसको यूज़ करने के बाद इसका एक्सपीरियंस बताऊँगी, बट इसका स्टील इससे थोड़ा सा हल्का लग रहा है।
एक्चुअली हम वर्किंग लेडीज़ को तो कहीं ना कहीं टिफिन की ज़रूरत होती ही है, और जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ काफ़ी खारा पानी है, तो जो स्टील है वो चटक जाती है। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि ओवरऑल पूरा स्टील ना यूज़ करूँ मैं टिफ़िन में, क्योंकि जैसे मैंने ये विशाल से लिया था और ये 1 वीक के बाद ही चटकना शुरू हो गया था। इसमें आप देखोगे 1 वीक के बाद ही ये क्रैक्स आने शुरू हो गए थे, बल्कि ये 70 रुपीज़ का था और बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस रहा। और आप वर्किंग लेडी हो तो आपको तो टिफ़िन चाहिए चाहिए, और प्लास्टिक में आप गर्म खाना रखना इट्स वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ। तो मुझे जो डी मार्ट से मैंने टिफ़िन लिए हैं काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा। नेक्स्ट जो चेंजेस है और वो चलिए देखते हैं। मेरा नेक्स्ट चेंजेस है मेरा टेबल, इस पर स्क्रैच आ गए थे और थोड़ा सा कांच का टेबल है, तो मैंने अपने लोकल मार्केट से ये टेबल कवर परचेस किया जो मेरे सोफे के कलर से मैच हो रहा था, और इसका कलर ही इतना सुंदर था कि उसी से ही लुक चेंज हो गया। इसके बाद मैंने अपने लोकल मार्केट से ही ये एक प्लेट परचेस किया जिसका लुक कांच जैसा था बट ये प्लास्टिक है, और ये मेरा टॉर्टॉय जो मेरे पास ऑलरेडी था, इसका जो नीचे का प्लेट था वो बहुत छोटा था, वो अच्छा लुक नहीं आ रहा था। मैंने इसको इसमें रखने के बाद मेरे पास ये कलर्ड थोड़े से स्टोन रखे हुए थे, इन्हें मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, और ये मैंने इसके अंदर डालने के बाद इसका लुक कंप्लीट किया। क्योंकि टॉर्टॉइज के साथ कहते हैं कि थोड़ा सा स्टोन का लुक देकर अच्छा वो लगता है, और टॉर्टॉइज रखना घर में बहुत शुभ होता है, तो उसी के चलते मैंने ये थोड़ा सा तो लुक देते हुए अपने टॉर्टॉइज को नया लुक दिया, और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड, पानी में ही आपको शुभ फल देता है, तो मैं थोड़ा सा पानी ज़रूर इसमें ऐड करती हूँ। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। एक छोटा सा चेंजेस ही ना हमारे ड्राइंग रूम को, हमारे किचन को बहुत अच्छा सा लुक दे देता है, और इनफैक्ट हमें अच्छी सी फीलिंग भी देता है। और आप देख सकते हैं इस तरीके से मेरे टेबल का लुक कंप्लीट है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये डीमार्ट की शॉपिंग, और इन सभी प्रोडक्ट में आपको कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़फुल लगा, अच्छा लगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो बनाने में बहुत टाइम और मेहनत लगती है, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप उसे एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।